चिराग ने कहा। और सर आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, मैंने पता कर लिया है सर कि गौरव मल्होत्रा को डॉक्टर ने पूरे एक महीने हॉस्पिटल में ही रेस्ट करने को कहा है। जिस पर ऋषित अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, उसके साथ तो और बुरा होना चाहिए, उसने मेरी रितु का सपना, उसका बुटीक जलाया और मुझे उससे अलग करने के लिए मुझ पर हमला किया और मेरी रितु को छूने की हिम्मत की उसने, तो उसके लिए ये सजा काफी नहीं है। ये सुनकर चेहरा बनाते हुए चिराग बोला, सर मैं आपको आपका मूड ठीक करने के लिए इतनी अच्छी खबर सुना रहा हूँ और आप हैं कि। चिराग बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऋषित उसे घूर रहा था। जल्दी से चिराग ने कहा, एक और खबर है सर और ये सुनकर आप सच में खुश हो जाएंगे। सर वो मिस्टर खन्ना, मैंने कहा था ना कि वो लीगल एडवाइजर हैं, तो उनसे बात हो गई है और आज आपके साथ मीटिंग करने के लिए वो रेडी हो गए हैं। सर एक बार ये मिस्टर खन्ना हमारे साथ आ गए ना, फिर अक्षय मल्होत्रा की प्रॉपर्टी कोई नहीं बचा पाएगा, सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी और अक्षय मल्होत्रा का नामो निशान मिट जाएगा। ऋषित ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए, अक्षय की वजह से मेरी जिदू को उसकी माँ को खोना पड़ा, कितना दुख सहना पड़ा और अक्षय मल्होत्रा ने अपने जिस काले धंधे को छुपाने के लिए रिदु की माँ को मारा था, उस काले धंधे की कमाई की एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचनी चाहिए। चिराग ने दिलासे भरी आवाज में कहा, ऐसा ही होगा सर, आप देखना ऐसा ही होगा। सर रिदिमा मैडम को पता चलेगा ना कि आपने उनके लिए इतना सब किया है तो उनकी नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगी। ऋषित ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी आंख बंद कर ली और रिलैक्स होकर चेयर पर बैठ गया। ऋषित अच्छे से जानता था कि रिदिमा की नाराजगी तब तक दूर नहीं होगी जब तक उसकी सारी गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती। रिदिमा तो ये सुनकर हक्की बक्की रह गई थी, ऋषित सच में उसके लिए इतना सब कर रहा था। रिदिमा उस लीगल एडवाइजर के बारे में सोचने लगी। सच बात तो ये थी कि रिदिमा ने भी यही सोचा था कि वो भी अक्षय की सारी काली कमाई के पैसों और प्रॉपर्टी को तबाह कर देगी, पर ये कैसे होगा उसने ये सोचा नहीं था। लेकिन अब उसे ऋषित और चिराग की बात सुनकर वो रास्ता भी मिल गया था। जिस काले पैसे और प्रॉपर्टी का सच बाहर ना आने के लिए अक्षय ने रिदिमा के माँ की जान ली थी, वो पैसा और प्रॉपर्टी भी खत्म होनी ही चाहिए। कुछ सोचते हुए रिदिमा स्टडी रूम के अंदर जाते हुए बोली, क्या अक्षय मल्होत्रा के केस के लिए लीगल एडवाइजर की बात कर रहे हो तुम? ऋषित और चिराग अचानक ऐसे रिदिमा को वहां देख हैरान रह गए। ऋषित को लगा कि रिदिमा को अब फिर से कोई और गलतफहमी हो गई, इसलिए हड़बड़ाते हुए ऋषित ने कहा, नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो, पहले ही बहुत गलतफहमियां हैं हमारे बीच, तो एक और की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। रिदिमा शांति से ऋषित के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, ठीक है बताओ। रिदिमा का ये रिएक्शन देख ऋषित ने चैन की सांस ली, कम से कम रिदिमा उसकी बात सुनने को तो तैयार थी। फिर ऋषित ने रिदिमा से कहा कि कैसे इस लीगल एडवाइजर का काम जरूरी था और कैसे अक्षय की सारी प्रॉपर्टी और पैसे सरकार के पास जमा हो सकते थे और जो कि सही ही होगा। ऋषित की सारी बातें सुनने के बाद रिदिमा ने सोचते हुए कहा, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ मीटिंग में चलूंगी। ऋषित ने हैरान होते हुए पूछा, क्या सच में? रिदिमा ने धीरे से सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे बता देना कब है मीटिंग, मैं पहुंच जाऊंगी। खुश होते हुए ऋषित ने जवाब दिया, हम साथ में ही जाएंगे रिदु। रिदिमा ने बस ओके में सर हिलाया और वहां से चली गई। ऋषित के चेहरे पर मुस्कान आ गई ये सोचकर कि रिदिमा उसके साथ मीटिंग में आने को तैयार थी, इसका मतलब उसे ऋषित पर थोड़ा तो भरोसा हुआ। ऋषित के चेहरे की मुस्कान देखकर चिराग ने भी मुस्कुराकर कहा, सर देखा आपने, रिदिमा मैडम आप पर विश्वास करती हैं और इसीलिए तो मिस्टर खन्ना से मिलने के लिए वो तैयार हो गई, और देखिएगा सर जल्द ही मैडम पूरी तरह आप पर विश्वास करने लगेंगी। ऋषित ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराया और उसने दिल ही दिल में सोचा कि ऐसे ही वो रिदिमा का विश्वास जीत लेगा और उसे एहसास कराएगा कि वो रिदिमा से कितना प्यार करता था। इधर रिदिमा अपने कमरे में आ गई, बार बार उसे ऋषित और चिराग की बातें याद आ रही थी। ऋषित ने ही अक्षय मल्होत्रा के केस में मीडिया को हैंडल किया था और इसीलिए मीडिया अभी भी अक्षय मल्होत्रा के केस के पीछे पड़ी हुई थी। ऋषित खुद ये पता लगाना चाह रहा था कि रिदिमा का एक्सीडेंट किसने करवाया, तो मतलब ऋषित बेकसूर था, ऋषित ने उसे मारने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर रिदिमा खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, मेरा ऋषित बेकसूर है, वो मुझे और निश को मारना नहीं चाहता था, ऋषित हमें हर्ट नहीं करना चाहता था। ये सोचकर रिदिमा खुद से ही मुस्कुराई। ऋषित के बारे में सोचते हुए ही रिदिमा मीटिंग के लिए तैयार हो गई। मीटिंग के लिए ऋषित और रिदिमा दोनों ही अरोड़ा इंडस्ट्रीज के ऑफिस आ गए।
जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाने लगे तो ऋषित ने चलते हुए अपना हाथ रिद्धिमा के कमर पर रख दिया। अब तक मीडिया ने ऋषित और रिद्धिमा के रिश्ते पर इतनी सारी न्यूज और अफवाहें फैलाई थी कि सारा स्टाफ अब रिद्धिमा को पहचानने लगा था। और आज तो ऋषित के साथ रिद्धिमा को भी ऑफिस में आया देख स्टाफ उन्हें देखते रह गया और कुछ तो आगे आकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने लगे और रिद्धिमा को भी विश करने लगे। फिर ऋषित और रिद्धिमा लिफ्ट में दाखिल हुए क्योंकि ऋषित का कैबिन 5वें फ्लोर पर था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ रिद्धिमा ऋषित से दूर हुई और अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसने पूछा, चल क्या रहा है तुम्हारा, तुमने ऐसे क्यों पकड़ रखा है मुझे जैसे कि मैं कहीं भाग जाने वाली हूँ। ऋषित मुस्कुराते हुए बोला, क्या करूं, एक तो तुम कितनी खूबसूरत हो, ऊपर से गौरव जैसे कितने आदमी पीछे पड़ जाते हैं तुम्हारे, इसलिए सबको पता होना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। रिद्धिमा ने अविश्वास में सर हिलाया कि ऑफिस ऋषित का था तो यहाँ पर कोई भी रिद्धिमा के साथ बदतमीजी तो दूर की बात थी, रिद्धिमा की तरफ देखने से भी डरेगा। चेहरा बनाते हुए रिद्धिमा ने कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो, ये तुम्हारी कंपनी है और सब अभी जिस तरह से हमें देख रहे थे और जैसे मुझे विश कर रहे थे वो देख मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की या दिखाने की जरूरत है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ऋषित ने मुस्कुराकर रिद्धिमा का हाथ पकड़ा। रिद्धिमा ने इधर उधर देखा तो लिफ्ट में बस वही दोनों थे। ऋषित ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, सिर्फ हम दोनों ही हैं। और बेबी, तुम लोगों के बारे में इतना क्यों सोच रही हो, तुम ये देखो ना, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है तो मैं तुम्हारी कितनी केयर ले रहा हूँ और मतलब मेरे लिए तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो। रिद्धिमा आंखें गोल घुमाते हुए बोली, चोट हाथ पर लगी है, पैर पर नहीं, जो तुम्हें मुझे ऐसे पकड़ना पड़े। और तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो आजकल। ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी तरफ खींचा और धीरे से उसके करीब आकर कान में कहा, दिल तो करता है और भी कुछ करूं पर बड़ी मुश्किल से दिल को रोक रखा है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और लिफ्ट के सामने खड़े कुछ एम्प्लॉयज ने ऋषित और रिद्धिमा को ऐसे देख लिया तो रिद्धिमा शर्मिंदा होते हुए ऋषित से दूर हुई। फिर ऋषित और रिद्धिमा दोनों ही ऋषित के कैबिन में चले गए। तभी उनके पीछे बाकी सब गॉसिप करने लगे कि उनका खड़ूस बॉस ऋषित अरोड़ा अपने बीवी के सामने कितना रोमांटिक था और उसकी कितनी केयर कर रहा था। रिद्धिमा मैडम के हाथ में चोट लगी थी तो वो उन्हें एक भी पल नहीं छोड़ रहा था और भी बहुत कुछ। उधर कैबिन में ऋषित ने रिद्धिमा के लिए कॉफी और कुछ खाने को ऑर्डर कर दिया तो रिद्धिमा ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए ऋषित, मैंने घर से निकलने से पहले ही तो ब्रेकफास्ट किया था। ऋषित ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुमने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया था रिदु, अब थोड़ा सा खा लो, आज जल्दी ठीक होना चाहिए ना, तो फिर अच्छे से खाया करो। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा। उसे फिर से ऋषित और चिराग की बातें याद आने लगी। ऋषित ने उसे मारने की कोशिश नहीं की लेकिन फिर वो ये सब रिद्धिमा के लिए क्यों कर रहा था, चाहे कुछ भी हो प्यार तो ऋषित सोनिया से करता था ना। रिद्धिमा के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। रिद्धिमा जानती थी कि इन सवालों के जवाब सिर्फ ऋषित से ही मिलेंगे। रिद्धिमा ने सोचा कि शायद उसे ऋषित से सीधे सीधे पूछ लेना चाहिए। फिर उसने ऋषित से कुछ पूछने के लिए कोशिश करते हुए कहा, ऋषित मुझे कुछ बात करनी थी, एक्चुअली कुछ पूछना था तुमसे। ऋषित ने फौरन अपनी नजरें रिद्धिमा पर गड़ाते हुए पूछा, क्या बात है रिदु? पर तभी रिद्धिमा की कॉफी और खाने का ऑर्डर आ गया। रिद्धिमा ऋषित की ऑफिस में आई हुई थी ताकि वो लीगल एडवाइजर मिस्टर खन्ना से बात कर सके। रिद्धिमा ऋषित के कैबिन में बैठी हुई थी। रिद्धिमा ने जब सोचा कि वो सीधे सीधे ऋषित से ही पूछ लेगी और फिर रिद्धिमा ने ऋषित से कहा भी कि उसे ऋषित से कुछ पूछना था, लेकिन तभी कोई वर्कर ब्रेकफास्ट और कॉफी लेकर आ गया। फिर उसने ब्रेकफास्ट और कॉफी रिद्धिमा के सामने रखा और चला गया। उसके जाते ही ऋषित ने रिद्धिमा से कहा, तुम कुछ कह रही थी ना रिदु? तभी रिद्धिमा के दिल में ख्याल आया कि शायद यहाँ ऑफिस में बात करना सही नहीं होगा, इसलिए ऋषित की तरफ देखते हुए रिद्धिमा ने जवाब दिया, उस बारे में घर जाने के बाद बात करेंगे। ये सुनकर ऋषित ने भी रिद्धिमा को ज्यादा फोर्स नहीं किया और ओके में सर हिलाते हुए कहा, पर तुम ये ब्रेकफास्ट और कॉफी तो लो, मीटिंग के लिए अभी थोड़ा टाइम है। रिद्धिमा ने जरा बोरिंग सी शक्ल बनाकर ब्रेकफास्ट की ट्रे की ओर देखा और खाने लगी। तो ऋषित ऐसे जता रहा था कि वो फाइल पढ़ रहा था लेकिन उसकी नजर बार बार रिद्धिमा की तरफ ही जा रही थी और वो छुप छुप कर बस उसे ही निहार रहा था। रिद्धिमा ने जैसे ही कॉफी का घूंट लिया उसे पछतावा होने लगा कि उसने कॉफी क्यों पी, क्योंकि वो कॉफी कड़वी थी, वो रिद्धिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए रिद्धिमा ने फौरन मुंह बनाते हुए कॉफी का मग साइड में रख दिया। ऋषित ने ये चुपके से देख लिया था और फिर वो खुद से ही मुस्कुराया और फिर अगले ही पल कैबिन से निकल गया।
रिद्धिमा ने रिशित को जैसे ही जाते देख मन में सोचते हुए कहा, अब ये कहाँ चला गया, खैर मीटिंग को तो अभी काफी टाइम बाकी है। फिर रिद्धिमा धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उधर रिशित सीधे अपने ऑफिस के पैंट्री एरिया में पहुंच चुका था और उसे देख वहां पर जितने भी इम्प्लॉयज थे सब हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने रिशित को कभी भी पैंट्री में आते हुए नहीं देखा था। उन्हें और बड़ा झटका तब लगा जब रिशित कॉफी मशीन के पास गया और खुद कॉफी बनाने लगा। तभी एक एम्प्लॉय फौरन रिशित के पास जाते हुए बोला, सर आप क्यों बना रहे हैं, मैं हूं ना सर। रिशित ने बिना उस एम्प्लॉय की तरफ देखे ही कहा, नहीं तुम्हारे हाथ की कॉफी उसे पसंद नहीं आएगी। एम्प्लॉय जरा सा हैरान रह गया, उसे मतलब किसे। तभी उसे याद आया कि आज बॉस के साथ ऑफिस में उनकी बीवी भी आई थी, मतलब उनका बॉस अपनी बीवी के लिए कॉफी बना रहा था। इससे पहले वो एम्प्लॉय कुछ रिएक्ट कर पाता, रिशित कॉफी मग लेकर अपने कैबिन में जा चुका था। रिशित ने रिद्धिमा के सामने कॉफी का मग रखते हुए कहा, ये पियो, एकदम परफेक्ट नहीं बनी होगी क्योंकि कॉफी मशीन से बनाई है, पर फिर भी कड़वी नहीं होगी। रिद्धिमा कुछ पल रिशित को देखती रह गई। क्या वो रिद्धिमा के लिए कॉफी बनाने गया था? रिद्धिमा को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए रिशित ने कहा, क्या हुआ पियो ना। रिद्धिमा ने रिशित की लाई कॉफी का घूंट लिया तो वो एकदम परफेक्ट ना सही, पर रिद्धिमा को जैसे पसंद थी वैसी ही बनी थी। रिद्धिमा धीरे से मुस्कुराकर कॉफी पीने लगी। तभी चिराग कैबिन में आया, फिर रिशित, चिराग और रिद्धिमा तीनों ही मीटिंग को लेकर बातचीत करने लग गए। थोड़ी ही देर में मिस्टर खन्ना आ गए जो लीगल एडवाइजर थे, तो उन लोगों की मीटिंग शुरू हो गई। रिशित और रिद्धिमा मिस्टर खन्ना को सब समझा रहे थे। सारा केस और पूरा मामला समझने के बाद मिस्टर खन्ना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है मिस्टर अरोड़ा, आपका काम हो जाएगा। मिस्टर अक्षय मल्होत्रा की सारी जायदाद या तो नीलाम हो जाएगी या फिर उस पर ताला लगा हुआ होगा। उनके सारे पैसे सरकार के पास जमा हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहते हैं। रिशित ने चिराग की तरफ देखते हुए इशारा किया। चिराग ने फौरन चेकबुक निकाला जो देख रिद्धिमा बोली, काम मेरा है तो पैसे मैं ही दूंगी। रिशित कुछ बोलने वाला था, वो जानता था कि मिस्टर खन्ना को बहुत पैसे देने पड़ेंगे, पर रिद्धिमा तो रिद्धिमा ही थी। उसने रिशित को ऐसे घूरा कि रिशित कुछ बोल ही नहीं पाया। चिराग अपने बॉस की बोलती बंद होता देख धीरे से मुस्कुरा। रिद्धिमा ने चिराग की तरफ देखते हुए पूछा, कितना पेमेंट करना है? चिराग ने जवाब देते हुए कहा, 25 करोड़। रिद्धिमा ये सुनकर दंग रह गई। वो रिशित के पास वाली चेयर पर ही बैठी थी तो उसने धीरे से रिशित की तरफ झुकते हुए उसके कान में पूछा, ये सच में अक्षय की प्रॉपर्टी सरकार को जमा करेगा या खुद खरीदेगा? रिशित तो बस रिद्धिमा को देखते रह गया। रिद्धिमा जैसे अचानक उसके करीब आकर बात कर रही थी, रिशित की धड़कन तेज हो गई थी। रिशित को कोई जवाब ना देते देख रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और सोचने लगी। उसके पास जीएम टेक्सटाइल्स के साथ किए डील की वजह से मिले 25 करोड़ तो थे, अगर वो ये सब मिस्टर खन्ना को दे देगी तो उसके पास बहुत ही कम पैसे बच जाएंगे। रिद्धिमा खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, रिद्धिमा तू तो कंगाल हो जाएगी। क्या रिद्धिमा मिस्टर खन्ना को पैसे देने के लिए रिशित से हेल्प लेगी? और ये जानने के बाद कि रिशित बेकसूर है, क्या रिद्धिमा उस पर भरोसा करेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में।